हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। हिमाचल प्रदेश यानी कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया का जनरल नॉलेज का ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। और जो लोग HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और HP सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो GK है वहाँ का, मैं बेसिक लेवल से, इसके पहले मैंने BPSC का GK कवर किया था और अब मैं एक नया सीजन शुरू कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश को लेकर, और राजस्थान को भी मैं इंक्लूड करूँगा और ये दो वीडियो पैरेलली चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जिन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, वो है सबसे पहले आज के वीडियो में जनरल फैक्ट्स। हिमाचल प्रदेश है, किसी भी स्टेट कमीशन को जब आप शुरू करते हैं तो पहले उस स्टेट का हाव भाव देखते हैं, क्या है वहाँ पर और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि एक रफ आइडिया जब मिल जाता है तो उस स्टेट के बारे में आप आसानी से अंदर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि उसकी हिस्ट्री। फिर रिवर सिस्टम मतलब ज्योग्राफी के पार्ट में आएंगे, वहाँ पर क्या मिनरल रिसोर्सेज हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से मंदिर हैं और कौन से मॉनेस्ट्री हैं अलग अलग जगह पर हिमाचल प्रदेश में, या चर्च मॉस्क जो भी हैं। माउंटेन रेंजेस जो हैं वो, एग्रीकल्चर वहाँ की क्या, और करेंट अफेयर उसके बाद, और पॉलिटिकल न्यूज जो रिसेंट है वो, और फिर लास्ट में MCQ। तो इतना पार्ट हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट किन चीज़ों पर हैं, सबसे ज़्यादा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे जो वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ के हॉर्टिकल्चर पे, और तीसरा एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर, ठीक है। तो सबसे पहला स्लाइड ये है हमारा, हिमाचल नाम कहाँ से कॉइन किया गया या हिमाचल का नाम कहाँ से आया। तो हिमाचल एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है हिम यानी कि स्नो जिसको कहते हैं बर्फ, और दूसरा आचल, आचल मतलब माउंटेन या अचल, तो हिमाचल। और ये शब्द कॉइन किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने, ठीक है। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का कम टर्म कॉइन किया था। स्टेट डे हिमाचल का कौन सा है, 25 जनवरी, और ईयर कौन सा है, 1971, मतलब हिमाचल प्रदेश 1971 में भारत का स्टेट बना। और कौन से नंबर का स्टेट बना, तो 18वां स्टेट भारत का ये बना जाकर, ठीक है। इसके पहले की जो हिस्ट्री है आजादी के बाद से, वो हम इवोल्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। आज के वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको पहले वो याद रखने हैं। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल, वो कौन सा है, शिमला है। और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, तो 12 है। एक बार आप नजर दौड़ा लीजिए शिमला, और लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। स्टेट कमीशन में किसी भी स्टेट का जब आप पढ़ रहे हो तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन को याद रखिए, तो जो जिला जहां पर है एटलीस्ट आपको एक रफ आइडिया वहां का होना चाहिए। शिमला यहां पर है, सब लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा, तो ये सिरमौर, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट 12 हैं, और यहीं पर मैं बता दूं कि 12 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ सब डिवीजन 55 है, 55 ये है सब डिवीजन। एक अगर आप कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक कॉपी प्लीज मेंटेन कर लीजिएगा और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से लिखते चलिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत हेल्प होगा आपको। और सब डिवीजन के बाद अगर तहसील याद रखना है तो याद रखिए, 145 तहसील हैं, और ब्लॉक्स 78, और टाउन्स या सिटीज आप अगर याद रखना है तो 59, और ब्लॉक है 78। तो इतनी बात मोर देन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आप इंटीरियर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 12 डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है वो आपको पता चल गया, 12 जिला, ठीक है। अगला पॉइंट, फैक्ट्स टू रिमेंबर, स्टेट के इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स क्या हैं। तो स्टेट हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, ठीक है, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ। स्टेट फ्लावर पिंक रोडोडेंड्रन, और ये शिमला के पास भी पाया जाता है कई जगहों पर, जब अभी मैं शिमला के टूर पे था तो मैंने देखा था इसे। और है कुछ नहीं, ये मतलब एक झाड़ जैसा होता है पेड़, और उसके बड़े बड़े गुलाबी फूल होते हैं इसमें। स्टेट बर्ड है जूजू राना, ठीक है, ये इमेज के जरिए याद रखिएगा, मैंने बहुत रेयरली इस नाम को सुना है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था जुजुराना के बारे में।
और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, ट्री, अगर स्टेट ट्री कभी आपसे पूछ दे तो आपको ये आसान से पता चल जाएगा, देवदार का पेड़, देवदार, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सेड्रस देवदारा, CEDRUSDEODARA, ठीक है। तो ये स्टेट ट्री है, ये तो हो गई चलिए स्टेट के इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो अभी प्रेजेंट फेस हैं हिमाचल प्रदेश के। खैर इनके बारे में तो हम बाद में भी बात करेंगे जब वहां का, जब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन तब। आचार्य देवव्रत ऑनरेबल गवर्नर हैं इस समय, और जयराम ठाकुर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फैक्ट्स टू रिमेंबर यहां से शुरू होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है पहले किसी भी कमीशन को शुरू करने से पहले। 25th जनवरी जैसा कि हमने किया 1971 को स्टेट बनाया गया था, तो 25 जनवरी को हर साल स्टेट डे मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 18वां रैंक पर लाता है हिमाचल प्रदेश को एरिया वाइज, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो कुल पॉपुलेशन था हिमाचल प्रदेश का वो था 68,64,000, तो 68 लाख या 6.8 मिलियन आप इसको कह सकते हैं रफली। और 2017 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 71 लाख पॉपुलेशन है, तो ये रिसेंट न्यूज है। हालांकि जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर जो पिछला सेंसस हुआ होता है उसको लेकर पूछा जाता है, बट इनकेस अगर मोस्ट रिसेंट पूछा जाए तो 2017 में 71 लाख या 7.1 मिलियन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश का था, और 2011 के हिसाब से मतलब हम 68 लाख वाला मानकर चल रहे हैं तो 34,81,873 मेल्स थे यानी कि पुरुष, और महिलाएं 33,82,000। तो कहने का मतलब कि हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशियो काफी बेहतर है, 2011 में 972 पर 1,000 मेल, तो सेक्स रेशियो हमेशा पर 1,000 मेल ये गिना जाता है। और करेंटली मतलब 2017 के हिसाब से देखें तो 974 पर 1,000 मेल वहाँ का सेक्स रेशियो है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब पर 1,000 मेल जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिला में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं पर 1,000 पुरुष, वो है हमीरपुर 1,096, ठीक है। और 2001 की बात है जब यहाँ की पॉपुलेशन मतलब सेक्स रेशियो था 10:99, तो 3 का गिरावट आया है, हालांकि फिर भी बहुत अच्छा है ये। मूविंग अहेड वी हैव डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो किन्नौर जिला, जहाँ का सेक्स रेशियो 818 है, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। और एवरेज डेंसिटी से क्या समझते हैं, किसी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर 123 लोग रहते हैं एज पर 2011 सेंसस। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी जिस डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है, वो कौन सी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का, अगर ये पूरा हिमाचल प्रदेश है तो ये लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, और वहां पर 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। बात यह है कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो बहुत टिपिकल हैं, और इसलिए शायद इस एरिया में काजा वगैरह लोकेटेड है लाहौल स्पीति के रीजन में, केलोंग और रेकोंगपियो, ये सारे एरियाज जो हैं तो काफी टिपिकल माउंटेन्स हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर किस डिस्ट्रिक्ट में है, हमीरपुर में है, 406 लोग निवास करते हैं या रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छी है, 83.78 जो कि नेशनल एवरेज 73-74 जो भी है अभी, उससे भी बेटर है, ठीक है। तो 2011 की बात है ये, और अब शायद और बढ़ गया होगा। और मेल्स की जो लिटरेसी रेट है मेल में पुरुषों की वो है 90.8 और फीमेल्स की 76.60। अब बात करते हैं आगे, आई होप यहाँ तक आपको स्टैट्स क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1951 यानी कि जो आजादी के बाद से हम देख रहे हैं और 2011 तक का, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो आप गौर कीजिए 1981 में है, मतलब 1971 से 1981 तक 23.7% पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है, तो इस डेटा को एटलीस्ट याद रखिएगा कि कौन से डिकेड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है।
वहीं दूसरी तरफ अगर कि सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से साल में हुआ है, तो 2011 में हुआ है। मतलब 2001 से 11 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ 2011 तक, वो है सिर्फ 12.8%। ठीक है, तो इतनी डेटा आज के वीडियो के लिए सफिशिएंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे और हिमाचल प्रदेश का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उस पर हम जोर डालेंगे। तो असल डिस्कशन उस वीडियो से शुरू होगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू गाइज, उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।